शिक्षक नियुक्ति परीक्षा के लिए बीपीएससी ने सिलेबस जारी कर दिया है। सिलेबस में क्या कुछ होगा हम आपको इस वीडियो में विस्तार से बताएंगे। नमस्कार, कशिश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। खबर बीपीएससी की परीक्षा से जुड़ी है। हालांकि विरोध तमाम हो रहे हैं, नियोजित शिक्षक हो या फिर शिक्षक अभ्यर्थी विरोध कर रहे हैं, परीक्षा नहीं देंगे। शिक्षक अभ्यर्थी तो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गए हैं और उसके लिए अब एसटीईटी अभ्यर्थी जो हैं वो एकजुट हो रहे हैं और वकीलों ने रास्ता बताया है, जो उस रास्ते पर चलकर एसटीईटी अभ्यर्थी सुप्रीम कोर्ट में सरकार के खिलाफ याचिका दायर करेंगे। इधर नियोजित शिक्षकों का भी विरोध जारी है और इस बीच परीक्षा की तैयारी भी है। तो परीक्षा की तैयारी जो बीपीएससी ने सिलेबस जारी किया है और माना यह जा रहा है कि इस महीने के अंत तक विज्ञापन भी जारी कर दिया जाएगा। 178,000 पदों पर बहाली की जानी है, जिसके लिए सरकार ने बीपीएससी को अधियाचना भेज दी है। तो ऐसे में आगे क्या सवाल होंगे, कैसा प्रश्न पूछा जाएगा, परीक्षा पास करना जो है तो उसमें निगेटिव मार्किंग भी होगी, इसलिए सावधानी बरतनी होगी, तमाम पहलुओं पर हम यहाँ पर आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे परीक्षा ली जाएगी। 178,000 शिक्षकों की जो बहाली होगी कैसे होगी, कैसा पाठ्यक्रम होगा, माध्यमिक, उच्चतर माध्यमिक और उसके अलावा प्राथमिक और मध्य विद्यालयों के शिक्षकों के लिए, तो ये जो है परीक्षा किस किस तरीके से पूछी जाएगी। प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों की हम बात करते हैं सबसे पहले, उसके बाद उच्च माध्यमिक और माध्यमिक विद्यालयों के बारे में भी बात करेंगे। तो प्राथमिक विद्यालय में 150 अंकों की सामान्य अध्ययन की परीक्षा से पूछे जाएंगे और 150 प्रश्न पूछे जाएंगे। सामान्य अध्ययन 150 अंकों का पत्र होगा जिसमें 150 प्रश्न पूछे जाएंगे और 2 घंटे का समय दिया जाएगा। इसमें आप ध्यान से सुन लीजिए क्या कुछ होंगे, क्या कुछ होगा। प्राथमिक गणित होगा, मानसिक क्षमता परीक्षण यानी रीजनिंग के प्रश्न, सामान्य जागरूकता, सामान्य विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल और पर्यावरण शामिल है, यानी जनरल स्टडीज जो होता है उसकी आपको भरपूर तैयारी करनी होगी। जो जनरल स्टडीज के तहत मैथ्स हो गए या रीजनिंग हो गए या फिर सामान्य जागरूकता और सामान्य विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल और पर्यावरण, ये तमाम विषय उसमें शामिल होंगे, उनका आपको गहन अध्ययन करना होगा। सामान्य अध्ययन के जो पत्र होंगे वो प्राथमिक विद्यालय के पाठ्यक्रम से संबंधित होंगे, लेकिन इसका स्तर जो होगा उम्मीदवारों के लिए निर्धारित न्यूनतम अर्हता के अनुरूप होगा। तो ये बात हो गई प्राथमिक विद्यालयों की। माध्यमिक विद्यालयों की बात करें जिसमें पहला भाग विषय का होगा जिसमें 100 सवाल होंगे। तो विषय एवं सामान्य अध्ययन जो है यह पत्र 150 अंकों का होगा जिसमें 150 प्रश्न पूछे जाएंगे, 2 घंटे समय दिया जाएगा। यह प्रश्न 2 भागों में विभक्त होगा। भाग एक विषय पत्र होगा जिसके लिए उम्मीदवारों को किसी एक विषय का चुनाव करना होगा। इनमें हिंदी, बंगला, उर्दू, मैथिली, संस्कृत, भोजपुरी, अरबी, फारसी, अंग्रेजी, विज्ञान, गणित और सामाजिक विज्ञान शामिल होंगे। यह पत्र 100 अंकों का होगा और इसमें 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। इसका पाठ्यक्रम माध्यमिक विद्यालय से संबंधित विषय के पाठ्यक्रम के अनुरूप होगा और प्रश्नों का स्तर उम्मीदवारों के लिए निर्धारित न्यूनतम अर्हता के अनुरूप होगा। भाग दो में सामान्य अध्ययन होगा जिसमें प्राथमिक गणित, सामान्य जागरूकता, सामान्य विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और भूगोल शामिल है। यह पत्र जो है 50 अंकों का होगा और 50 प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें इसके प्रश्न माध्यमिक विद्यालय के पाठ्यक्रम से संबंधित होंगे और प्रश्नों का स्तर उम्मीदवारों के लिए निर्धारित न्यूनतम अर्हता के अनुरूप होगा। अब बात करते हैं उच्च माध्यमिक विद्यालयों के लिए जिसका दूसरा भाग सामान्य अध्ययन का होगा जिसमें 50 अंकों की परीक्षा होगी। विषय एवं सामान्य अध्ययन होगा जिसमें यह पत्र 150 अंकों का होगा जिसमें 150 प्रश्न पूछे जाएंगे, 2 घंटे का समय दिया जाएगा। यह प्रश्न 2 भागों में विभक्त होगा। भाग एक विषय पत्र होगा जिसके लिए उम्मीदवारों को किसी एक विषय का चुनाव करना होगा। इसमें हिंदी, बंगला, उर्दू, मैथिली, मगही, संस्कृत, पाली, प्राकृत, भोजपुरी, अरबी, फारसी, अंग्रेजी, भौतिकी, रसायन शास्त्र, वनस्पति शास्त्र, जंतु विज्ञान, गणित और समाज शास्त्र, इतिहास, भूगोल, राजनीतिक विज्ञान, अर्थशास्त्र, मनोविज्ञान, दर्शन शास्त्र, गृह विज्ञान, कंप्यूटर साइंस, वाणिज्य, लेखा, संगीत और उद्यमिता
के विषय शामिल होंगे। यह पत्र 100 अंकों का होगा और इसमें 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। इसका पाठ्यक्रम उच्च माध्यमिक विद्यालय के संबंधित विषय के पाठ्यक्रम के अनुरूप होगा। प्रश्नों का स्तर उम्मीदवारों के लिए निर्धारित न्यूनतम अर्हता के अनुरूप होगा। भाग दो में सामान्य अध्ययन होगा, यानी जीएस का जो पेपर होगा, जिसमें प्राथमिक गणित, सामान्य जागरूकता, सामान्य विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और भूगोल शामिल होंगे। यह 50 अंकों का होगा और इसमें 50 प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके प्रश्न उच्च माध्यमिक विद्यालय के पाठ्यक्रम से संबंधित होंगे और इसका स्तर उम्मीदवारों के लिए निर्धारित न्यूनतम अर्हता के अनुरूप होगा। तो ये पूरा खाका तैयार कर लिया गया है बीपीएससी की तरफ से, परीक्षा का सिलेबस जारी कर दिया गया है और अब जो आखिरी प्रक्रिया बची है विज्ञापन की, उसे जारी किया जाना है। और माना यह जा रहा है कि एक सप्ताह या इस महीने के अंत तक बीपीएससी के द्वारा ये विज्ञापन भी जारी कर दिया जाएगा। तो ऐसे में परीक्षा की तैयारी के लिए आपको जुट जाना होगा। सिलेबस दे दिया गया है और परीक्षा भी जल्द ली जाएगी, तो अब तैयारी जोरदार करनी होगी। बने रहिए कशिश न्यूज़ के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।